दर्शकों, गोकुलपुर वार्ड की अगर हम बात करें, जो आईटी सेल बना हुआ है कांग्रेस पार्टी का, उसके अध्यक्ष हमारे बीच में है आशुतोष जी, और इन्हें निकनेम काके के नाम से भी जाना जाता है। आशुतोष जी, क्या कहना चाहेंगे? आप आईटी सेल संभाल रहे हैं, क्या कहना है कांग्रेस के बारे में? देखिए, कांग्रेस एक बहुत अच्छी पार्टी है। जो देश का युवा है वो कांग्रेस की तरफ मुड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का नाश कर दिया, युवाओं का रोजगार। आज तक कोई रोजगार नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार कह रहे थे, 15 लाख कह रहे थे, सब वो जुमले थे। यो देश के युवा को, आज जो देश का युवा, जिस माँ ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपने हाथ के कंगन बेचे, आज उस माँ का बच्चा बेरोजगार घूम रहा है। उस माँ के दिल से पूछो, मैं कहना चाहता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी से। आप भी एक ग्रेजुएट है, क्या आपको नौकरी मिली? मुझे आज तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली जी। मेरे जैसे कितने युवा इस देश में घूम रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला सिर्फ जुमले के अलावा। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपने इस देश का नाश कर दिया। युवा वर्ग की बात करें, वापसी अब कांग्रेस की, वापसी 100% कांग्रेस की तरफ जा रहा। देश को सिर्फ एक पार्टी चला सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। देश के युवाओं की अगर हम बात करें, तो कांग्रेस के अलावा कोई कहीं भटकने का, कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी की ओर? नहीं, आम पार्टी का भी जो वोट है वो भी तो कांग्रेस का वोट गया हुआ है। वो छोटे मोदी हैं जी, वो बड़े मोदी हैं, वो छोटे मोदी हैं। उन्होंने दिल्ली के साथ धोखा करा, उन्होंने देश के साथ धोखा करा। लेकिन दिल्ली के अंदर तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन हाथ मिला रही है। यदि अगर हाथ मिलाया, ये तो सिर्फ राहुल गांधी जी बताएंगे जी, पर अगर ये गठबंधन हुआ तो दिल्ली को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ये मैं बोल रहा हूँ। फायदे में कौन रहेगा? फायदे में बीजेपी रहेगी 100%। नहीं, कांग्रेस का वर्कर वोट नहीं देगा गठबंधन को? देखो जी, ये तो अपने मन की बात है, ना दे, पर कांग्रेस इस देश का युवा जो कांग्रेस को पसंद कर रहा है वो तो नाराज होगा। बात करें सांसद मनोज तिवारी की, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, कितना काम कर रहे हैं आपके वार्ड में? आप उन मनोज तिवारी जी की बात कर रहे हैं जो कभी क्षेत्र में नहीं दिखते। आप एक प्रोग्राम रख लो नाचने गाने का, वो तुरंत पहुंच जाएंगे जी। आज मनोज तिवारी जी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली का नाश कर दिया, नाश। कभी कहीं देख लो, गोकुलपुर में देख लो, अमर कॉलोनी में देख लो, मंडोली में देख लो, सबोली में देख लो, कहीं भी देख लो, आज तक मनोज तिवारी जी मैंने नहीं देखे। क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने सेंट्रल स्कूल का उद्घाटन करा, झूलों का उद्घाटन करा, स्कूल की व्यवस्था सुधारी, सड़कों की व्यवस्था सुधारी, सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन कर डाला। सिग्नेचर ब्रिज किसका बनाया हुआ? श्रीमती शीला दीक्षित जी का, जयप्रकाश अग्रवाल जी का। और आज वो आपने देखा नहीं था, आम आदमी पार्टी के और उनके उनके बीच में क्या हुआ? क्या हुआ? सब अपने अपने वोट बना रहे हैं नकली, पर इस देश का युवा, दिल्ली की जनता और उत्तर पूर्वी दिल्ली का हर व्यक्ति, हर युवा जानता है कि मनोज तिवारी जी ने इस क्षेत्र के लिए क्या करा और क्या नहीं करा। आशुतोष जी, आप आईटी सेल संभाल रहे हैं, क्या मानते हैं कांग्रेस के फेवर में कितने परसेंट लोग आ रहे हैं अब? देखो, मेरे हिसाब से तो अगर मैं आज बताऊँ अपने दिल की बात आपको, देश का युवा, गोकुलपुरी की नहीं बात करूंगा मैं, उत्तरपुरी दिल्ली की बात करूंगा, देश का युवा कांग्रेस की तरफ मुड़ रहा है जी। सारा उन्हें ना कोई रोजगार मिला, ना उन्हें कुछ नहीं मिला। इस देश के युवा को रोजगार चाहिए, ना कि जुमले चाहिए। आप गोकुलपुर वार्ड के अंदर रहते हैं, गोकुलपुर वार्ड के लोगों की क्या राय है? गोकुलपुर वार्ड का जो युवा है वो कांग्रेस की तरफ मुड़ रहा है। जो भी नया युवा है 18 से लेकर 25 वर्ष का युवा, वो कांग्रेस की तरफ मुड़ रहा है। इस नौजवानों से के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं देश के नौजवानों से सिर्फ एक अपील करना चाहूँगा, भाइयों, ना 15 लाख आया, ना 2 करोड़ रोजगार मिला, जुमले के सरदार ने इस देश को बर्बाद कर दिया। सिर्फ एक ही पहल आपसे करूँगा, जब वोट दे तो यहाँ से ना दें, यहाँ से दें। हमारे साथ क्या हुआ, कितना धोखा हुआ इस 5 सालों में, और आज नरेंद्र मोदी जी अपना झूठा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा 5 साल में, ये बताइए। ये ना करें कि राहुल गांधी पे इतनी प्रॉपर्टी, उस पे इतनी प्रॉपर्टी, ये ना करें, ये बताएं आपने देश के लिए करा क्या? आशुतोष जी, आप कह रहे हैं नौकरी नहीं दी, जोमेटो की बात करें, स्विगी की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, अमेजोन की बात करें, लड़के लड़कियां इंडियन नहीं तो काम कर रहा है, और कौन कर रहा है? प्राइवेट नौकरी, अगर हमें प्राइवेट नौकरी करनी है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, क्यों ग्रेजुएशन करें जी? प्राइवेट नौकरी करनी है तो हमें गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, इसीलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं।